खबर महोबा से है, जहां पर शहर के भटीपुरा पुलिस चौकी से चंद कदम दूर एक हमलावर ने युवक पर लोहे की राड से जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में मरणासन्न हुए युवक को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज झांसी और वहां से ग्वालियर के लिए रेफर किया। घटना के पीछे बहन के साथ आए दिन बदतमीजी और छेड़खानी का विरोध करना बताया जा रहा है। घटना से पीड़ित परिवार आक्रोशित है। पुलिस ने नामित आरोपी को गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन वह पुलिस की पकड़ से बाहर बना हुआ। शहर के भटीपुरा निवासी आलम खान पुत्र शमसुद्दीन ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, कहा कि भाई फिरोज मोबाइल व कपड़े की दुकान घर किए हैं। कहा कि दुकान पर नईम नामक युवक दुकान पर आता था और बहन से बुरी नीयत से बदतमीजी से आए दिन छेड़खानी करता था। आरोप है कि भाई ने इसका विरोध किया। उक्त द्वारा दोनों भाइयों को देख लेने की धमकी दी गई थी। आरोप है कि मंगलवार को भाई फिरोज स्टार सिटी स्कूल बच्चों को छोड़ने जा रहा था, तभी मदीना मस्जिद चौराहे पर उक्त ने रोक कर लोहे की राड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में भाई बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। आनन फानन में जिला अस्पताल के लिए ले गए। डॉक्टर फौरी उपचार के बाद गंभीर होने पर मेडिकल झांसी के लिए रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि वहां से ग्वालियर के लिए रेफर किया गया। कोतवाली पुलिस हमलावर नईम पुत्र अज्ञात निवासी भटीपुरा करबला रोड के विरुद्ध अभियोग को दर्ज किया गया है। दिनांक 22/10/2024 को थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्र के अंतर्गत मारपीट की घटना पर अभियोग पंजीकृत कर नामित अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई है कि मजरूह की दौराने उपचार दुखद मृत्यु हो गई है। प्रकरण में संबंधित धाराओं की वृद्धि करते हुए नियमानुसार सभी वैधानिक कार्रवाइयां की जाए। महोबा से रमन दीक्षित की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।